अब पिछले वाला नुक्सा आपका धत्तू काम ना आया। पति में अनबन जो हो रही है पति पत्नी में, उसको सुलझाना है। कैसे? चौराहे पे नंगा खड़ा होकर 15 मिनट मुलाद आएगी, करना मत, नंगे होके जाओगे, तुम चार लोग देखेंगे, हद हो गई है यार। और ये तो कुछ चीज नहीं दिखाने लायक होती ना, तुम निवस्त्र जा रहे हो ना बस ये चौराहे रखने के लिए। मास्क लगा लूंगा ना। कहाँ मास्क लगा लोगे? यहाँ मास्क लगा लोगे? नहीं लगेगा मास्क, और कहाँ लगेगा मास्क। तो भाई लोगों, आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि मेरे पास आज ना दो कार्ड्स हैं, और ये दो कार्ड जो होते हैं ना, वो कहते हैं ना स्वतंत्र से छुटकारा, मनचाहा प्यार, प्रेम विवाह में अड़चन करेंगे हम पूरी। पता नहीं क्यों करोगे पूरी यार, विवाह में तो कोई भी अड़चन हो ना पूरी नहीं करनी चाहिए, मेरे ख्याल से तो विवाह ही नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं मजाक में बोल रहा हूँ, पसंद अपनी अपनी, किस्मत अपनी अपनी। और फिलहाल इस कार्ड के माध्यम से अर्थात मैं कुछ यूनिक सा सोचने में लगा हुआ हूँ कि कैसे आज आपकी परजाई जी को एक कार्ड के थ्रू बेवकूफ बनाया जाए, लल्लू बनाया जाए, जिसमें मुझे बहुत मजा आए कसम से यार। और ऐसे ही कुछ मैं सोच रहा हूँ, और मेरे दिमाग में ना दो आइडिया आ रहे हैं कि एक तो ये कि स्वतंत्र से छुटकारा नहीं, और दूसरा आइडिया मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि किसी लड़की ने मेरे पे ब्लैक मैजिक कर दिया, और प्लीज यार गुरुजी मुझे कुछ सजेस्ट करो यार, मेरे को उससे छुटकारा दिलाओ गुरुजी, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे पूरे महीने के सैलरी खा जाती है। ऐसा कुछ मैं आज करने वाला हूँ, और वीडियो में बहुत मजा आएगा। तो गाइस वीडियो को ना लाइक कर लो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारी बाकी के वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को ऐसे ही मिल सके। बाबा जी का नंबर मैंने हाइड कर रखा है, अगर किसी को चाहिए हो भैया, किसी को जरूरत हो तो बता देना, मैं इनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, और ना मैं ऐसी चीजों पर बिलीव करता हूँ, ठीक है? तो बस ये कार्ड मिला था तो बस यूज कर रहा हूँ। A few moments later. So भाई, वो फोन चेक करेगी तो नंबर को ना डायलिंग में पहले ही छोड़ देते हैं, ऐसे एक डायलिंग दबाते हैं और क्रॉस कर देते हैं, ठीक है? अब थोड़ी देर वेट करते हैं आपकी परदाई जी के ऊपर आने का। बाबा बाबा मैं दुखी हो रखा हूं, मैं तुम्हें क्या बताऊं? अरे घर में एक कोना नहीं छोड़ा जहां पे मैं बैठ सकूं शांति से, जान ले रखी है मेरी। या तो मुझे देखो ऐसा है बाबा, फीस तो भरी मैंने अभी, हाँ भरी तो थी फीस, फोन पे कराना आपको 200 रुपए यार, फीस दोबारा भर दूंगा, फिर मुद्दे की बात तो सुन लो, तुम तो यार भटक गए पहले फीस पे पहुंच गए। इतना दुखी हो रखा हूँ, घर के अंदर पूरी अनबन रहती है, और आपके कार्ड पे जब मैंने पढ़ा ना पति पत्नी में अनबन, तभी मेरा टन टन हो गया मामला, मैं समझ गया आप ही करके दोगे समाधान। अब पिछले वाला नुक्सा आपका धत्तू काम ना आया, कुछ भी ना हुआ उसे, एमी इसमें छाप रखा आपने, वशीकरण वशीकरण करा के दो, छाप रखा दो। दुखी हो रहे हम तो, ठीक है ओके सर, आपको माल निकल जाएगा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है बाबा, ठीक है। हम दोनों की बनती नहीं है, कब जाएगी हमारे में, कब नहीं, कब जाएगी तेरी आदत, ये कौन सी आदत, हमेशा पीछे खड़े होकर बात सुनती रहती है। मैं क्या सुन रही थी? जो चीजें सुननी होती वो सुनेगा पहले बताओ, हमारी कभी इतनी लड़ाई होती है जो तुम अब बाबा पे पहुंच गए? यार ये बंगाली बाबा नहीं है, ये तेरे मेरे भले के लिए ही है जो है, इसमें लिखा पति पति में अनबन होती है तो उसको सुलझाएं, या फिर पत्नी को वशीकरण करें, या फिर पत्नी के लिए एक सोतल लेके आए। अच्छा, इन तीनों में से कोई सा भी काम हो गया, अच्छा बाबा ने करा दिया तो बस, मतलब मुझे वशीकरण में तुमने ले लिया तो सोतल तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। वशीकरण तो पिछली बार करा था, और तुमने मेरे को वशीकरण करा था, खाने में मिला के दिया नहीं था वो,
तुमने मुझे पे खाने में मिलाया था, मतलब तुम कब से करते आ रहे हो ये सब काम, कब से करते आ रहे हो भाई? मतलब मियां बीवी में क्या लड़ाई नहीं होती है? जहाँ दो बर्तन होते हैं वहाँ लड़ाई हो जाती है। कहाँ दो बर्तन? एक और दो बर्तन है हम। अरे मैं वो दे रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ, जैसे मुहावरा होता है वो है ये। उदाहरण क्यों दे रही है ऐसे बर्तनों वाले? बर्तन देखते दिए पहले। मतलब बंगाली पर पहुंच गए ये सब कराने के लिए? कौन से है ये बंगाली? बंगाली मुझे बताने के टोकटा करते फिर रहे हो, मेरे को फसीकरण कर रहे हैं। यार तेरा मेरा भला ही होगा अगर घर के अंदर सुख शांति हो जाएगी तो। यार मेरा क्या भला है, तुम स्वतंत्र ले आओगे तो? अरे स्वतंत्र भला तो तुम्हारा है इसमें। अरे वो तीसरा ऑप्शन है। अरे जब वशीकरण में हो जाऊंगी तो हो ही जाएगा ना वो तो फेल हो गया ना। बीच का दूसरा ऑप्शन ये भी तो बचा है, पति पति में अनबन जो हो रही है पति पत्नी में, उसको सुलझाना है। कैसे सुलझाना है? बाबा ने अभी बोला है क्या नाम है, छोटी कीले, पांच काली मिर्चे और काले तिल। बाबा से पूछो, उसकी खुद की बीवी है, एक मुट्ठी में लेके रात के 1 बजे चौराहे पे नंगा खड़े होकर 15 मिनट में आना है। नंगा खड़े होकर? हाँ वहाँ देखे आने ना, निवस्त्र निवस्त्र जाना है चौराहे पे टिका के और फिर आना है। बेवकूफ हो गए तुम, कब से इतने पढ़े लिखे आदमी का क्या करने लग गए हो, किन किन झंझटों में पड़ गए हो तुम? मतलब अनबन तो हर किसी में होती है। तो क्या हो गया, अगर अनबन होती है तो उसको शॉर्ट आउट नहीं करते हैं क्या? उस बंगाली से पूछना, उसकी खुद की बीवी है। ये तो मैंने पूछा नहीं यार। नहीं, खुद की बीवी से पूछो तो सही, वो कितना वशीकरण में है। ये नहीं पूछा मैंने। और उसकी बीवी से नहीं होती अनबन? ये पूछा नहीं, इतना वो करने लग गए हो। पूछ लूंगा, फोटो तो छप रही है, इसमें बुड्ढा है तो होगी बीवी। हाँ। बाबा से बात ही नहीं होगी तुम्हारी। करो। ये क्या तमीज है? ये मेरी तमीज है। तो तुझे क्या लग रहा, तू मुझे बाबा से दूर कर देगी? बाबा का आशीर्वाद जो है ना मेरे पास हमेशा बना रहेगा। मतलब ऐसे क्या, पूरा तुम पूरा उसके विजिटिंग कार्ड ले आए हो क्या, पूरा गड्डी भर के? एक विजिटिंग कार्ड यहाँ छपा हुआ है बाबा का। मैं कहूँ फिर बाबा यहाँ आए तो? यहाँ और यहाँ दो दिन लगे तुम्हारे पास? तो एक काम करेगी मेरा? मैं कुछ काम नहीं करूंगी, पहले मुझे बताओ ये सब चल क्या रहा है? अनबन है तो क्या हुआ? अनबन तो होती रहती है। लो मैं तुम्हें अनबन कर लो, मार रही हूँ, करो बस पे मुझे। यही तो, यही सॉर्ट आउट करना है मुझे। बोलो ना, यही सॉर्ट आउट करना है। बंगाली से बोलो बाबा से कि अभी मेरी बीवी ऐसे करके धक्का दे रही है, अब उपाय करो कि उस बीवी पे धक्का बोलो उसको भी। मैंने तो पागल हो गई है। अरे ऐसे करके धक्का ऐसे में दे, अब उसको बोलो कि मुझे भी धक्का देना है। बोलो बंगाली। अरे बाबा, अब बोलो मेरी इन्हीं चीजों का समाधान कर रहे हैं बाबा यार। कैसा समाधान? इन्हीं चीजों का तो समाधान कर रहे हैं। मेरे पे तो रत्ती भर फर्क। बाबा कॉल आ रहा क्या? ना बाबा कॉल नहीं है भैया, रुक जा भाई, सोटा लूं पहले अपना माजरा। बाबा पे मतलब मेरे पे तो कोई रत्ती भर भी असर नहीं है, मतलब सर मार भी सकती हूँ, फूट भी सकती हूँ, खा भी सकती हूँ, जो मर्जी कर सकती हूँ। तू 10 रुपए मेरे पर्स में से निकाल, काले तेल और थोड़ी सी काली मिर्च और छोटी छोटी काली की ले लिया। बाबा के पास चल देगी क्या? वो कह रहे थे अगर देखो भैया अपनी बीवी को ले आओगे ना तो हो सकता जल्दी इलाज हो जाए। अच्छा, तो बाबा के पास अब जब तुझे पता लगी गया तो इसलिए मैं तेरे से बात खुल के कर रहा हूँ, वरना मैं तेरे को किसी और बहाने से लेके जाता। नहीं अच्छी बात है, तुमने मुझे बता दी तो मैं भी अपनी मतलब तैयारी से जाऊंगी ना। हाँ बिल्कुल, तो ठीक है। मैं कोई तैयारी क्या? तैयारी मीन्स वो कपड़े पैक करके थोड़े ले जाने नहीं। है ना थोड़े है वहाँ पे यार। मुझे भी पता है, मुझे शौक नहीं है ना, मुझे नहीं शौक ऐसे मुझे जहाँ रहने का। एक दो जोड़ी चप्पल रख के लेके जाऊंगी और झाड़ू बेलन चिमटा डंडा लाठी बैट ये सब लेके जा रहे हैं। तो बंगाली बाबा के ऐसे पिछवाड़े पैसे मारना है ना मुझे जो ये काम कर रहा है, मार मार के उसकी लाल कर दूंगी मैं। मजा आया मुझे लगा वहाँ पहले तो झाड़ू लगाएगी फिर चप्पल पहनेगी फिर बैट निकालेगी फिर बैट बॉल खेलेगी। क्या क्या है और साथ में तुम्हारा पिछवाड़ा लाल होगा। ठीक है, तुझे तो यही आदमी सीधा करेगा। यही आदमी से बोलो कि मेरे को जानता, यही आदमी सीधा करेगा तुझे। वो जानता नहीं है समझे ना, पैसा आदमी होने के बाद भी ना ये गवारों वाली हरकतें। 200 रुपए फीस लेता है। 200 रुपए में लुगाई ठीक हो जाएगी, हमारी कोई दिक्कत है? उसको बोलो कि उसकी लुगाई भी लड़ती होगी, मेरे से जाके मंत्र ले लेगा। मैं पूछूंगा उसकी लुगाई है या नहीं। होगी, बुड्ढे की लुगाई नहीं होगी।
मुझे क्या पता। हाँ तो बोलना ना। वो भी तो क्या पता उसने वशीकरण करके भगा दी हो। बात तो सही है। अभी तो हो सकता है, जब भी तो औरों को टिप्स दे रहा बंदा एक्सपीरियंस होगा। मैं छत पे जा रहा हूँ उनसे बात करने। क्या बात करने? अरे बहुत अर्जेंट है, वो फॉर्मूला आधा रह गया है यार। कौन सा फॉर्मूला आधा रह गया? करना मत, नंगे होके जाओगे तुम, चार लोग देखेंगे, हद हो गई है यार। क्या हो गया फिर देखेंगे तो? अरे तो कुछ चीज नहीं दिखाने लायक होती ना। कौन सी चीज? तुम निवस्त्र जा रहे हो ना, बस ये रखने के लिए। मास्क लगा लूंगा ना। कहाँ मास्क लगा लोगे? यहाँ मास्क लगा लोगे? तो ये लगेगा मास्क, और कहाँ लगेगा मास्क? मतलब मैं मुंह पे मास्क लगाने की बोल रही, तुम पूरे निवस्त्र होकर जाओगे चौराहे पे। क्या हो गया, मुंह पे मास्क लगा लूंगा ना, नहीं आएगा किसी को पहचान में। बात तो सही है। अरे तो लोग का वीडियो बना देंगे दो मिनट में, वायरल हो जाओगे। बहुत बढ़िया बात है, मैं तो अभी भी वायरल होने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब कुछ चीजें करने पड़ती है, कुछ चीजें नहीं करने पड़ती है। अभी मैं जस्ट तेरा एक पोपट बना रहा था, ये विजिटिंग कार्ड्स जो है ना, ये गाड़ी के ना आगे शीशे पैसे टिका के चला गया, तो मैंने वहां से निकाल लिए। मैंने कहा चलो भाई आज बंगाली बाबा का जलवा दिखा जाए घर जाके। वैसे ना और फाड़ियो मत इसको, मत फाड़ियो प्लीज, प्लीज फाड़ियो मत। वैसे ना एक बार मैं कॉल करके ना बाबा की फिरकी जरूर लूंगा, और उसके ऊपर भी ना एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। अगर आपको चाहिए ना ये वीडियो तो कमेंट जरूर करना। अगर 100 कमेंट भी ऐसे आ गए कि बाबा की फिरकी वाला वीडियो बनाओ, तो मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाबा पे प्रैंक समझ लो। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा वो जरूर बता देना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चौराहे पे मैं भेजूंगी। मास्क लगा लूंगा। हाँ मास्क लगा लूंगा।